हाय एवरीवन, अगर आप बिहार से इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए। इसमें बताएंगे बिहार इंजीनियरिंग का स्थिति क्या है और क्यों अच्छा है बिहार इंजीनियरिंग करने में, या फिर क्या कमजोरी है जिसको हम लोग को सुधारना है बिहार इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और कैसे अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हैं, ये वीडियो उसके लिए है। अगर आप बिहार से इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ये सारा पॉइंट को जरूर समझिए। इसमें हम सारा डिस्कशन करेंगे क्या कमजोरी है जो हम लोग को प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता है, और क्या सुधारने के बाद अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है, और क्या अपॉर्चुनिटी है बिहार इंजीनियरिंग में। फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, बीसीसी के थ्रू बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन होता था, और अब जो होता है जेएमएनस के एग्जाम के थ्रू। तो फ्रेंड्स, आपको भी पता है कि देखिए जेएमएनस में किसी का कम परसेंटाइल आ जाना, किसी का ज्यादा परसेंटाइल आना, ये साबित नहीं करता है कि आप बहुत तेज हैं या फिर बहुत कमजोर है। वो दिन की बात होता है। हो सकता है कुछ चैप्टर आप अच्छे से नहीं पढ़े होंगे इसलिए आपका परसेंटाइल थोड़ा कम आ गया, कोई अच्छे से पढ़ा है तो उसका परसेंटाइल ज्यादा आ गया। इसका मतलब भी नहीं कि बहुत कमजोर है, बहुत कोई तेज है, बस मीडियम लेवल का सब रहता है। थोड़ा सा किसी का परसेंटाइल ज्यादा आने के बाद एनआईटी आईआईटी चला जाता है, और कुछ स्टेट इंजीनियरिंग की बिहार इंजीनियरिंग, और जहां भी जेएमएस के थ्रू एडमिशन होता है वहां जाता है। तो इससे फायदा क्या है, देखिए बिहार इंजीनियरिंग करने में तो जेएमएस के जो स्टूडेंट रहते हैं वो कहीं कोचिंग कर किए रहते हैं, तो जितने भी कोचिंग है मैक्सिमम इंग्लिश में उनका क्लासेस होती है। अगर बिहार बोर्ड के भी स्टूडेंट है, अगर वो जेएमएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको इंग्लिश का कोचिंग करवाया जाएगा। तो ये पहले प्रॉब्लम होता था कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट इंग्लिश में थोड़े कमजोर होते थे, जिनके कारण उनको कॉलेज में आने में थोड़ा सा परेशानी होता था। अब ऐसा नहीं है, कोचिंग करते हैं तो इतना इंग्लिश सीख जाते हैं कि वो अपने अच्छे से कंपनी तक अपने बात को रख सकते हैं इंग्लिश में। उसके बाद क्या है फ्रेंड, देखिए अगर मान लीजिए दूसरा पॉइंट है इंग्लिश कम्युनिकेशन। अगर जो स्टूडेंट कोचिंग भी नहीं करते, सेल्फ स्टडी से करते हैं और हिंदी मीडियम में जेएमएस की तैयारी करते हैं, उनका थोड़ा सा इंग्लिश कम्युनिकेशन थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। तो उनके लिए वो क्या करना है कि आप कॉलेज जाने से पहले, यानी कि जब आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं उससे पहले आप इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। इंग्लिश इम्प्रूव करना जरूरी है। अगर आप कॉलेज से पहले इंग्लिश इम्प्रूव कर लेंगे तो वहां आप कॉलेज को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, और अच्छे से अच्छे प्लेसमेंट में आप अपना बात को रख पाएंगे, अपने बारे में इंग्लिश में बता पाएंगे। और जो स्टूडेंट इंग्लिश में कमजोर है वो थोड़ा आप इंग्लिश में फोकस कीजिए, इंग्लिश में मेहनत कीजिए, क्योंकि आपका जितना बीटेक का पढ़ाई है सारा इंग्लिश में है, और कंपनी में आप जाएंगे कोई भी कंपनी में तो आपको इंग्लिश में आंसर किया जाएगा, इंटरव्यू सारा कुछ, ग्रुप डिस्कशन या फिर पर्सनल इंटरव्यू जितना भी होगा सब कुछ इंग्लिश में होगा। तो इंग्लिश अगर मैं आप थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा ये चीज, अगर आपका मेहनत है और पहले के मुताबिक, देखिए इंग्लिश जो स्टूडेंट आते हैं जेएमएस के थ्रू उनका इंग्लिश अच्छा रहता है, पहले के मुताबिक स्टूडेंट का अच्छा रहता है, जिसके कारण देखिए 2-4 साल में बिहार इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट थोड़ा अच्छा हो रहा है। क्योंकि अगर आप किसी के सामने अपने बात को नहीं रख पाएंगे, हर जगह तो हिंदी सिटी नहीं है, तो आपको इंग्लिश तो ग्लोबल लैंग्वेज है तो आपको सीखना पड़ेगा। तो अगर आप इंग्लिश अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हैं तो इंटरव्यूअर जो रहेगा, आपका एचआर रहेगा जो रिक्रूटमेंट के लिए आएगा, यानी कि आपको जो हायर करने आएगा, उनको लगना चाहिए कि आप अपने बात को अच्छे से रख पा रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन थोड़ा सा वीक था जिनके कारण थोड़ा सा प्लेसमेंट कम था, और अभी प्लेसमेंट थोड़ा अच्छा हो रहा है। इस बार का आप प्लेसमेंट देखे होंगे तो 15 लाख का 15 लाख का पैकेज मिला है अभी हाल में, आप लोग देखोगे ये सब फोटो आप देख लीजिए, कुछ आइडिया लग जाएगा आपको। 2019 और 2020 में प्लेसमेंट काफी इंक्रीज हुआ बिहार इंजीनियरिंग का। जहां 2-4 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो रहा था वहां पर 20-25 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है। फ्रेंड्स, आप जहां रहते होंगे उसके आस पड़ोस में आपके लोग बोलते होंगे इंजीनियरिंग ये कर रहा है, इंजीनियरिंग करने से फायदा नहीं है, तो फ्रेंड देखिए कहीं ना कहीं वो आपको नेगेटिव माइंड दे रहे हैं। तो आपके अंदर जो जुनून है उसको आप बरकरार रखिए, दूसरी की बात सुनने की जरूरत है। वो नहीं कर सकते समझो थोड़ी कि हम नहीं कर सकते। देखिए फ्रेंड्स, अगर प्लेसमेंट नहीं होता है तो कुछ ना कुछ कारण हम लोग में भी होता है। मान लीजिए आप 10 फ्रेंड है, उनमें 2 फ्रेंड का प्लेसमेंट हो जाता है सेम कंपनी में, आप भी प्लेसमेंट के लिए बैठे हैं, मान लीजिए 10 फ्रेंड है, 10 फ्रेंड है, 10 है, उनमें क्या हो, सेम कंपनी मान लीजिए टीसीएस है, उसमें आप सेम कंपनी बैठे, आप फर्स्ट राउंड में बैठे और वो भी आपके जितने भी फ्रेंड्स है सारे बैठे थे, मान लीजिए उसमें 2 स्टूडेंट का हुआ और आपका नहीं हुआ, या फिर आपका हुआ और किसी फ्रेंड का नहीं हुआ, तो ये यहाँ पर आपका गलती है। क्योंकि अगर कंपनी में बैठने का चांस आपको नहीं देता तो ये कॉलेज का गलती रहता है या फिर यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम है। लेकिन आप अगर आपको वहां पर बैठने का, आपके फ्रेंड के साथ आपको भी बैठने का मौका दिया जा रहा है और आप नहीं ले पा रहे तो ये आपका गलती है। आप इम्प्रूव कीजिए कि कैसे क्रेक करना है, यानी कि जो जो इंटरव्यू में पूछा जाता है उसका पहले से आप जानिए, इंग्लिश इम्प्रूव कीजिए, या फिर एप्टीट्यूड पूछा जाता है, जनरल रीजनिंग पूछा जाता है, वो सब पर फोकस कीजिए, ये चीज होता है। तो ये चीज आप समझिए कि कहीं ना कहीं आपका भी प्रॉब्लम है, इसी कारण प्लेसमेंट नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं कॉलेज का भी होता है। तो जो आप में है उसको आप सुधारिए, क्योंकि अगर आप चांस मिल रहा है तो चांस को छोड़िए नहीं। फ्रेंड, उसके बाद 2-3 साल में AQU यानी कि जो हम लोग का यूनिवर्सिटी बिहार इंजीनियरिंग का आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना, वो कंपनी को रिक्वेस्ट करती है, यानी कंपनी से लिंक है उसका,
एक ही जो यूनिवर्सिटी है कंपनी से लिंक है, वो कंपनी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जितने भी कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके स्टूडेंट को आप हायर कीजिए। तो फुल कैंपस होता है, फुल कैंपस होता है, उसमें आप MIT मुजफ्फरपुर के हैं, BC भागलपुर के हैं, मोतिहारी के हैं, छपरा के हैं, या फिर बख्तियारपुर के, या फिर बांका के, जहां भी कॉलेज है वो सारे कॉलेज को जो भी एलिजिबल स्टूडेंट है जिनका CGPA, मान लीजिए कि आपका CGPA 8 चाहिए, तो आपको CGPA बरकरार रखना तो आपका काम है, आप मेहनत करेंगे, इसमें कॉलेज का कोई इशू नहीं है। मान लीजिए 7 CGPA चाहिए या 8 CGPA चाहिए, जैसा कंपनी रहेगा वैसा CGPA मांगेगा। तो जो भी एलिजिबल रहेंगे सारे जाएंगे MIT के, फिर भागलपुर के, छपरा, मोतिहारी, सारे कॉलेज को जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट सारे एक साथ जाएंगे। और वही कंपनी मान लीजिए विप्रो आई है तो विप्रो में सारे एक साथ बैठेंगे, तो उनमें अगर आप MIT में नहीं पढ़ रहे हैं या फिर भागलपुर में नहीं पढ़ रहे हैं और कहीं गया में पढ़ रहे हैं या फिर दरभंगा में पढ़ रहे हैं, तो अगर आप अच्छे से करेंगे तो उनसे भी अच्छा पैकेज आप कर सकते हैं, क्योंकि सेम कंपनी वहां वो कॉलेज मैटर नहीं करेगा, क्योंकि वहां तो कंपनी आई है तो देखेगी आपके पास उनका जो एलिजिबिलिटी है कि हमारे कंपनी को ये चाहिए आप में है, तो फिर वो थोड़ी देखेगा आप MIT से या भागलपुर से, तो इसलिए आपका मेहनत मायने रखेगा। यानी कि आप 4 साल कितना अपने आप को प्रोग्रेस किए हैं, कितना आपको इम्प्रूवमेंट आया, वो मायने रखेगा। कॉलेज मायने 10% 15% रखता है कहीं कहीं, क्योंकि देखिए MIT और भागलपुर बिहार का टॉप कॉलेज है, लेकिन इस बार का हाईएस्ट पैकेज 15 लाख जो आया है दरभंगा से आया है। जितने भी स्टूडेंट रहेंगे एलिजिबल सारे जाएंगे, आप वहां से भी अच्छे कर सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए वहां चांस आपका नहीं बना कोई कारण बस, तो फिर से कंपनी पूल कैंपस बहुत बार होता है, 6 से 7 बार एक साल में होता है, उसमें कभी ना कभी आपका जो कमी रहेगा सुधारेंगे, तो एक ना एक बार आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नहीं होता है तो मान लीजिए क्या होता है, ऑफ कैंपस होता है। तो ऑफ कैंपस में फ्रेंड्स क्या होता है कि आप जो कंपनी आई है उसको आप जाकर के फिजिकली आप वहां से मिलिए, कंपनी का HR से मिलिए, और अपने आप जाकर के वहां फिर से इंटरव्यू दीजिए, वो कॉलेज की तरफ से नहीं रहेगा, आप अपने से जाकर के खुद से विजिट कीजिए। TCS एस्टेब्लिशमेंट, देखिए फ्रेंड्स अब बिहार में TCS का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, तो TCS क्या है, मास रिक्रूटिंग कंपनी है, IT कंपनी है, एक बार में 200, 300, 400 स्टूडेंट को हायर करती है। तो ये आपको बहुत ही अपॉर्चुनिटी, अगर आप मेहनत ये रहेंगे तो बिहार से भी अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हैं। भले इसमें क्या होता है कि 3.6 और 4.8 आपको मान लीजिए एक साथ मिलेगा, अगर 400 स्टूडेंट को लेकर के जा रही है TCS, तो मान लीजिए कि आपको पैकेज थोड़ा सा कम रहेगा। उसके बाद ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी है, मान लीजिए कि 2020 में आप पास आउट हुए, उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2021 में AQU हायर करने के लिए कंपनी बुलाई है, तो उसमें आपको भी बुलाया जाएगा। जब आपके एक बैच जो नए स्टूडेंट रहेंगे उनके साथ आप भी प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं, यानी कि 2021 के साथ भी आप भी बैठ सकते हैं, तो ये चांस आपको बिहार इंजीनियरिंग में मिल जाएगा, बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स प्रॉपर ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप। फ्रेंड्स पहले क्या होता था, बिहार में जितने भी रहते थे पैसा खर्च कम करते थे, वो सोचते थे बिहार से अपने राज्य से कर लेते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो फ्रेंड बिहार में इंडस्ट्री कहाँ है, अगर आप बिहार से ट्रेनिंग करेंगे तो कितना अच्छा ट्रेनिंग कर पाएंगे। इसलिए ट्रेनिंग के लिए अब क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली, नोएडा, जमशेदपुर, बहुत जगह जाकर के आप ट्रेनिंग अच्छी अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आपको पता नहीं है कि आपके ब्रांच के लिए कौन सा ट्रेनिंग अच्छा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, हर एक ब्रांच के लिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस सबके लिए बना दूंगा। देखिए फ्रेंड्स आपको हम हमेशा बोलते हैं कि ट्रेनिंग और इंटर्नशिप भी मायने रखेगा कि आपका जॉब कैसा होगा। कॉलेज में आपको थ्योरी बताया जाएगा और कुछ प्रैक्टिकल किया जाएगा, इंडस्ट्रियल नॉलेज तो आपको ट्रेनिंग और इंटर्नशिप करने पर ही मिलेगा, तो इंटर्नशिप और ट्रेनिंग के लिए कैसे अप्लाई करना है। ट्रेनिंग तो आप जाकर के जहां पता कीजिए सीनियर से कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर आपको नहीं पता है तो आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं कहां से कर रहा हूं ये भी मैं बताऊंगा, कौन से ब्रांच के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट सही है वो भी मैं आपको बता दूंगा, पर्सनली आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इंटर्नशिप के लिए देखिए आप लिंक्डइन से या फिर इंटर्नशाला से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कंपनी को आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो हम बता देंगे दूसरे वीडियो में कैसे अप्लाई करना है। और उसके बाद देखिए इंटरव्यू प्रिपरेशन, जब आपका फोर्थ ईयर रहेगा तो आप कुछ 1-1.5 महीना आप इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए टाइम दीजिए, यानी कि इंटरव्यू में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्सनल इंटरव्यू या फिर ग्रुप डिस्कशन कैसा होता है, जनरल रीजनिंग कैसा पूछा जाता है, क्योंकि अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए अलग प्रिपरेशन करते हैं या नहीं, मान लीजिए 12th का दे रहे थे, JEE Mains का दे रहे थे, तो अलग कुछ तो अलग प्रिपरेशन किए होंगे आप, तो ये भी आपका जो इंटरव्यू हो ये भी समझिए आप एक एग्जाम है, इसको पास करेंगे तो आपका जॉब लगेगा, तो इसके लिए तो अलग से प्रिपरेशन करना होगा, नहीं करेंगे तो जनरल आप कितना जवाब दे पाएंगे, उसका एक अलग मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, तो उसका एक अलग तैयारी कर लीजिएगा आप 1-1.5 महीना तो आपका प्लेसमेंट अच्छा हो जाएगा। उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में गवर्नमेंट जॉब का बहुत ही डिमांड है, मतलब सब चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हो जाए, तो आपको कॉलेज में गेट का, JEE का प्रिपरेशन करने का चांस मिलेगा। और उसके बाद क्या है, देखिए अगर आप स्टेट से, बिहार से अगर इंजीनियरिंग किए रहेंगे तो आपको अलग बेनिफिट मिलेगा, यानी कि छूट मिलेगा,
जो बाहर से इंजीनियरिंग कर रहे हैं बिहार के बाहर, उनसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा। इसलिए बिहार से बेनिफिट यही है कि अगर आप अपने राज्य किए रहेंगे तो ज्यादा आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा। मेन है कि देखिए अब क्या करना कि हाँ प्लेसमेंट मान लीजिए हो रहा है तो प्लेसमेंट के लिए क्या क्या जरूरी है। पहला आपका इंग्लिश थोड़ा ठीक होना चाहिए, उसके बाद मान लीजिए कि आईटी कंपनी है तो आईटी कंपनी पिछले 2-3 साल जो कॉलेज में आपका जो यूनिवर्सिटी में जो जो कंपनी आ रही है उसका एक लिस्ट बनाइए, उसमें कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने देखिए जनरल एप्टीट्यूड हर जगह पूछा जाता है, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सब हर जगह पूछा जाता है। बाकी मेन देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, इंटरव्यू का जो क्वेश्चन होता है, इंटरव्यू क्वेश्चन में स्टूडेंट छप जाते हैं, तो इंटरव्यू में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। मैंने आपको प्रिपरेशन करना होगा, 1 मंथ एटलीस्ट आप दीजिए, 1 मंथ देंगे आप तो डेफिनेटली आपका चांस है कि प्लेसमेंट हो जाएगा। आने वाले 2-3 साल में बिहार में देखिए प्लेसमेंट और भी ज्यादा इंक्रीज होगा। अगर आप अच्छे से मेहनत किए रहेंगे तो डेफिनेटली बिहार से अच्छे से प्लेसमेंट ले सकते हैं और अच्छा अच्छा पैकेज आप ले सकते हैं। क्योंकि जब वो जो अभी 15 लाख लिए, 8 लाख लिए हैं, तो जब वो ले रहे हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि आपके सीनियर आपको राय देंगे कि क्या कमी रहता है और क्या करना होता है, क्योंकि वो फिर जो चीज के लिए आप जाएंगे वो चीज वो फेस किए रहते हैं, तो आपको डेफिनेटली आइडिया मिलेगा और जो उनका एक्सपीरियंस रहेगा उससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए अच्छे से अच्छी जगह से आप ट्रेनिंग कीजिए, बिहार के बाहर जाइए जहां पे इंडस्ट्रियल एरिया है वहां ट्रेनिंग कीजिए। इंटर्नशिप के लिए लिंक्डइन, इंटर्नशाला या फिर naukri.com के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपके ब्रांच रिलेटेड कौन सा ट्रेनिंग बेस्ट होगा या फिर कहां से इंटर्नशिप करना है कैसे करना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पर्सनली बताऊंगा कहां से आप ट्रेनिंग कीजिएगा और किस ट्रेनिंग। क्योंकि देखिए ट्रेनिंग करेंगे तभी आपको कोई भी चीज, मान लीजिए आपको लेट की आपको एसी डिजाइन करना है तो एसी डिजाइन कॉलेज में उतना करने नहीं सिखाया जाएगा। फ्रेंड्स मान लीजिए आपके साथ 10 फ्रेंड है, वो कोई ट्रेनिंग नहीं किया और आप कहीं जाकर के ट्रेनिंग किए, तो प्लेसमेंट के लिए जब आएगा तो उससे अलग आप रहेंगे तभी ना आपको प्लेसमेंट होगा। तो कोशिश कीजिए जो भी मान लीजिए ऑटोकैड का ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऑटोकैड क्या है, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर सीखना रहता है, ऐसे अच्छे से नहीं सीख सकते या फिर कॉलेज भी उतना टाइम आपको नहीं देगा, तो उसके लिए आप अलग से बाहर से जाकर ट्रेनिंग कीजिए। या फिर कंप्यूटर साइंस के हैं तो डाटा साइंस का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट का ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो ये सबको आप जाकर के बाहर कर सकते हैं या फिर अच्छे से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो देखिए कंप्यूटर साइंस के लिए ऑनलाइन हो जाएगा लेकिन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए बाहर जाकर के ट्रेनिंग कीजिएगा तो फायदा होगा। क्योंकि वो सब जो फिजिकल, जहां पर फिजिकल ट्रेनिंग करने की जरूरत है वहां फिजिकल कीजिए। बिहार में यही देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट का इंटर्नशाला से ट्रेनिंग कर लेता है या फिर कोर्सेरा से कर लेता है, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब आप कंपनी के लिए जाइएगा तो आपसे देखेगा आप फिजिकली कितना सीखे हैं और इंटर्नशिप कितना किए हैं। तो फ्रेंड्स ये सिनेरियो बिहार इंजीनियरिंग का, अगर आप मेहनत किए रहेंगे तो डेफिनेटली बिहार से भी अच्छे पैकेज ले सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ले रहे हैं और हम लोग भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।